जातिवाद किया जा रहा है, उसके बाद जो बूंदी का पैसा आता ही नहीं है, कोई फंड ही नहीं है उस बात के लिए, एक काबिल शिक्षक को, एक ऐसे शिक्षक जो हमेशा स्कूल में कुछ नया लाने का सोचते हैं, उस शिक्षक को हमारे स्कूल से निकाल करके किसी और स्कूल में भेजा गया, शिक्षक भी नहीं है हमारे स्कूल में। महज 15 अगस्त के बुनिया के लिए शिक्षक का तबादला, ये दुर्भाग्यपूर्ण। नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न न्यूज में। अगर आप लोग नवरत्न न्यूज को पहली बार फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बीते दिन मध्य विद्यालय कलना प्रखंड हरलाखी सचिव सहित ग्रामीणों के मांग पर प्रधानाध्यापक रवि आनंद को हटाए जाने के कारण स्कूली बच्चों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम होने से उमगांव और बासोपट्टी जो मुख्य पथ है वो मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। विद्यालय में एचएम की पुनः पदस्थापित करने की मांग को लेकर इन बच्चों ने, जो सैकड़ों बच्चों ने स्कूल जो मुख्य पथ है उमगांव बासोपट्टी उसको जाम कर दिया। और बच्चों से बात करने पर बच्चों ने बताया कि शिक्षक रवि आनंद अच्छे शिक्षक थे और उन्हें हर चीज़ का, जैसे बाल संसद का गठन, मीडा मंच, दुनिया, जितने भी ये सारे सिस्टम हैं ये सारे सिस्टमेटिक ढंग से चलाते थे और ऐसा शिक्षक तो मिलना बड़ी मुश्किल की बात है। और उन्हें महज 15 अगस्त के बुनिया के कारण उन्हें विद्यालय से हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए देखते हैं नवरत्न न्यूज़ का ये ब्यूरो रिपोर्ट। स्कूल से निकाला जा रहा है जो बुनिया का फंड भी आता है उसके लिए, जिस बुनिया का फंड नहीं आता है उसके लिए हमारे हेडमास्टर को निकाला जा रहा है। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को केवल हेडसर चाहिए स्कूल में और हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मगर क्यों हमारे हेडसर को स्कूल से निकाल दिया गया, दूसरे स्कूल में भेजा गया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस ग्रामीण को कोई मांग करनी है तो पंचायत में जाकर के मांग करेगी, विद्यालय में आकर के हल्ला करेगा। किस स्कूल में प्रस्तावना होती है, किस स्कूल में समाचार होता है, किस स्कूल में बापू की वादी पढ़ाई जाती है, बाल संसद का गठन होता है, बाल संसद के साथ मीटिंग की जाती है, किस स्कूल में ये सब होता है, हमारे हेड सर, हमारे आनंद सर, ये सब होता है, ड्रामा होता है। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को केवल हेड सर चाहिए स्कूल में और हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मगर कल हमारे हेड सर को स्कूल से निकाल दिया गया, दूसरे स्कूल में भेजा गया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है विद्यालय में कोई राजनीति हो रही है? हो रही है विद्यालय की राजनीति करने के लिए संविधान सभा है। किस ग्रामीण को कोई मांग करनी है तो पंचायत में जाकर के मांग करेगी, विद्यालय में आकर के हल्ला। हम लोगों का कहना यही है कि हमारे सर को वापस भेजा जाए। और मैंने जिन जिन का नाम लिया उनको, क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम श्रद्धा है। आप क्या, मामला क्या है, क्यों आप लोग रोड जाम किए हुए हैं? सर स्कूल में जातिवाद किया जा रहा है, उसके बाद जो बूंदी का पैसा आता ही नहीं है, कोई फंड ही नहीं है उस बात के लिए, एक काबिल शिक्षक को, एक ऐसे शिक्षक जो हमेशा स्कूल में कुछ नया लाने का सोचते हैं, उस शिक्षक को हमारे स्कूल से निकाल करके किसी और स्कूल में भेजा गया, ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ, वो भी यह कह करके कि एक महीने तक में ये विवाद शांत हो जाएगा, फिर वो दोबारा आएंगे। कौन गारंटी लेता है विवाद शांत होगा और वो क्यों जाए जब वो गलत नहीं है? क्या नाम है शिक्षक का? आनंद कुमार। जा रहा है जो बुनिया का फंड भी आता है उसके लिए, जिस बुनिया का फंड नहीं आता है उसके लिए हमारे हेडमास्टर को निकाला जा रहा है। तो आज आप लोग सड़क जाम कर दिए हैं? हाँ, 3 दिन से हम ड्रामा देख रहे हैं, हमारे स्कूल में आते हैं, ग्रामीण हल्ला होता है, ड्रामा होता है, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को केवल हेड सर चाहिए स्कूल में और हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मगर कल हमारे हेड सर को स्कूल से निकाल दिया गया, दूसरे स्कूल में भेजा गया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है विद्यालय में कोई राजनीति हो रही है? बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है, विद्यालय की राजनीति करने के लिए संविधान सभा है। किस ग्रामीण को कोई मांग करनी है तो पंचायत में जाकर के मांग करेगी, विद्यालय में आकर के हल्ला करेगा। किस स्कूल में प्रस्तावना होती है, किस स्कूल में समाचार होता है, किस स्कूल में बापू की वादी पढ़ाई जाती है, बाल संसद का गठन होता है, बाल संसद के साथ मीटिंग की जाती है, किस स्कूल में ये सब होता है, हमारे हेड सर, हमारे आनंद सर ये सब करवाते हैं स्कूल में। अच्छे पढ़ाते लिखाते थे आनंद सर? बीओ क्या कर रहा था? बीओ आज ना चेकिंग में, तो बीओ को देखना चाहिए था ना कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होता तो बीओ कुछ करता। आज 15 अगस्त के अगले दिन ही बीओ पढ़ाई होना बंद हो गया। क्या नाम है आपका? श्रद्धा नाम है मेरा। और कुछ कहना है? मुझे ये कहना है अपनी सरकार को, वो पढ़ाई व्यवस्था सुधारे, शिक्षा व्यवस्था सुधारे, समय पे किताब